तो भाजपा प्रदेश कार्यालय हरमू में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति बैठक आयोजित की गई, जिसमें झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव सहित कई आम मुद्दों पर चर्चा हुई, ताकि भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस कर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के साथ सरकार बनाने में अपना अहम रोल अदा कर सके। आज भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश महिला मोर्चा की महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक में हम लोग आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव की के बारे में विशेष रूप से चर्चाएं की जाएंगी और साथ में जो हम अभी वर्तमान सरकार चल रही है हेमंत सोरेन की सरकार, और इस सरकार में आज महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और जिस तरह से प्रत्येक दिन अपराध की घटनाएँ बढ़ रही हैं, विशेषकर महिलाओं के प्रति दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं, आज बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, युवतियां सुरक्षित नहीं हैं, और इन सारे विषयों को लेकर पूरे झारखंड प्रदेश में महिला मोर्चा प्रदर्शन करेगी और अगले माह हमारा यह प्रदर्शन प्रत्येक जिला से लेकर मंडल स्तर तक चलेगा और प्रत्येक जनता के बीच जाकर इस सरकार को बेनकाब करने का काम महिला मोर्चा झारखंड प्रदेश करेगी। आरती सिंह, झारखंड प्रदेश महिला मोर्चा।